खरगोन जिले के बड़वाह में छठ पर्व के तीसरे दिन महिलाओं ने अस्त होते सूर्य की पूजा की और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। शाम को अस्त होते सूर्य की आराधना करने के लिए महिला पुरुष नावखेड़ी घाट स्थित नर्मदा नदी पहुंचे। सामूहिक रूप से सूर्य देवता को अर्घ देकर पूजा की। शाम 4 बजे से ही व्रतधारी महिलाएं और पुरुष तट पर पहुंचने लगे थे। जैसे ही सूर्यदेव अस्त होने लगे, महिलाएं थाली एवं कलश लेकर नर्मदा के जल में खड़ी होकर पूजा करने लगी। इस दौरान महिलाओं ने सूर्यदेव को जल भी चढ़ाया। जब तक सूर्यदेव पूरी तरह से अस्त नहीं हुए, महिलाएं जल में खड़ी रही। महिलाओं ने घाट पर नर्मदा जी का पूजन कर दीपदान किया। व्रतधारी महिलाओं ने बताया कि तीसरे दिन उन्होंने निर्जल उपवास किया था। रात में महिलाओं ने अपने घर में छठी माता के भजन भी गाए। शनिवार सुबह उदय होते सूरज की आराधना के साथ पर्व का समापन होगा। नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित थे। खरगोन ब्यूरो की रिपोर्ट। 4 दिन का रहता है, जैसे 4 दिन पहले नहाए धोए रहता है, फिर खरना रहता है, उपवास रहता है, तो उस दिन केवल लौकी की सब्जी और चने की दाल खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं, दिन भर निर्जला रहते हैं, फिर दूसरा दिन में निर्जला रहते हैं तो घाट पे आते हैं, जल देते हैं, फिर भगवान को अस्त होते हैं और सब फल वगैरह ऐसे बेदी बना के चढ़ाते हैं और उसके बाद से फिर दूसरा दिन मतलब उस दिन पानी नहीं पियेंगे, फिर घर जाएंगे, घर पे भी ऐसे गन्ने का मंडप बना के पूजा करते हैं, घर पे सब फल वगैरह रख के और उसके बाद से फिर रात को 4 बजे भोर में आते हैं, फिर छुआ के ले जाते हैं, रात में 3 बजे फिर 4 बजे अपन आते हैं, फिर देवी के सूर्योदय होता है तो फिर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद ही चाय पानी पीते हैं, यही करते हैं। जैसे बेटा के लिए, सुहाग के लिए, किसी को औलाद नहीं होता है तो भी करता है, तो फल वगैरह नहीं चढ़ाता है, वो अखा वैसे ही रहता है, आंचल नदी में खड़ा होके हाथ जोड़ के भगवान से छठी माता से विनती करता है कि हमको औलाद हो जाए तो फिर करेंगे, अगर माता जी बहुत भर देती हैं तो फिर वो उसी उसी भर के फिर करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।